चलो भाई आज का जो आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। तो इन्हें क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से तुम्हें देखना भी है कैसे हो रहे हैं। देखो साइन साइन ए बराबर आपको दे रखा है 4/5, ठीक है। दो तरीके से तुम्हें करवा के दिखाऊंगा, जो मतलब तुम्हें अच्छा लगता हो तो उससे कर। अच्छा मुझे बताओ ये साइन बराबर क्या होता है? लंबटे भैया अच्छे से यहाँ पे देख लो, जिसे नहीं पता हो एक होता है यहाँ पर लाल बटे कक्का एल एल के काफी बार बता चुका हूँ। ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका क्या कोस, और ये क्या होता है आपका टेन, ठीक है भैया। उसके बाद इनका उल्टा कर दो तो कोसेक मिल जाएगा। इनकी बात करते हैं हम के अपोन एम यानी कर्ण बटे लम क्या हो जाएगा आपका कोसेक, और कर्ण बटे आधार आपका क्या हो जाएगा सेक हो जाता है। उसके बाद आधार बटे लम आपका कोट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर डायग्राम से समझने लिए, ऐसा हमने ये बनाया है और ये ए बी और सी हमने मान, ठीक है ना। अगर बात करने में लम कौन सा लम आपका ये है और कण आपका ये है, कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला आपका आधार है, इसमें लम की वैल्यू दे रखी है जो कि 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हो। कण की वैल्यू 5 दे रखी है तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो। अब देखो कहने में समझना है जो कण क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी ना आधार में तो 5 से कम ही होंगी, क्योंकि ये 5 जो है ना ये कण जो है कण का जो मान होता है वो इन दोनों के मान से बड़ा ही होता है। 4 है तो देखो छोटा ना इससे, और यहाँ भी छोटी वैल्यू आएगी। अच्छा तो एक चीज हमने पढ़ रखी है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कण का वर्ग यानी 5 का वर्ग और 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भैया 5 का वर्ग 25 माइनस दंडिया और 4 का वर्ग 16 और ए स्क्वायर, बात करते हैं बसता है आपका 9, तो आधार बराबर क्या आपका आ जाता है 3। तो देखो कम है क्या नहीं है, आ गया भैया। और इससे आप सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू निकालनी, अच्छा टेन की निकालनी, टेन की निकालो, टेन ए बराबर क्या होता लंबटे आधार। भैया टेन ए बराबर लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, बताओ आसान है या नहीं है। अच्छा कोई आपसे पूछो भैया सेक की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले कोस की निकाल लो। भैया कोस की वैल्यू क्या होगी, तो आपका होगी कोस क्या होती है आपका वहां पर देखो ये लिख रहा आधार बटे कर्ण, तो भैया कोस ए बराबर आधार कितना आपके पास 3 और कर्ण कितना है भैया 5, ये होगी। कुछ भी आप निकाल सकते हो, अगर साइन की वैल्यू तो निकली हुई है, अच्छा अगर टेन की वैल्यू आपने निकाल ली कोट की क्या होगी इसकी उल्टी कर देना 3/4, सेक की वैल्यू 5/3 ऐसे। अच्छा भैया अगर हमें ऐसा करना नहीं आता तो इससे दूसरा मेथड भी है जिससे आंसर ला सकते, तो भैया हाँ आपके पास दूसरा मेथड भी है। कैसे, हमें पता है भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैं उसके लिए बता रहा है जिसे ये समझ में नहीं आता, बिना इसके भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देख लो कैसा आ रहा है, साइन की वैल्यू दे रखी भैया 4/5, इसका वर्ग कर दो प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है ये प्लस होता जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 16/25, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 हो जाए। अच्छा कोस स्क्वायर ए 25 का ना 25 माइनस 16/25, ये हो गया आपका कोस ए बराबर 9/25, यहाँ तक वर्ग हटाओ यहाँ पर क्या लगा दो
अंडर रूट। और यहाँ पर देखो कोस ए बराबर क्या आपका आ गया 3/5, ये आ रहा ना 3/5 आपका। नहीं ना, हमें निकालना क्या है भैया, टेन ए निकालना। अच्छा कहीं डायग्राम तो नहीं बनाया अभी, नहीं बनाना, क्या निकालना हमें, टेन। अब उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्या है भैया, टेन ए बराबर क्या होता है आपका, साइन बटे कोस, ये होता है साइन बटे कोस। अच्छा टेन ए बराबर साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4/5, तो 4/5। कोस क्या दे रखा, 3/5, 3/5, तो टेन ए बराबर 4/5। जब भी बटे के बटे में कोई बटा जाए तो भी उसको उल्टा कर देते हैं, 5 से 5 आपको कट गया, और टेन ए बराबर आपको आ गया 4/3। चेक करो ये क्या आएगा उससे। तो या तो भैया आप इस विधि से भी कर सकते हो, अगर ये विधि तुम्हारे समझ में नहीं आती तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है ऐसे, ठीक है ना। अब फिर इससे भी आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना, अगर कोस की निकल गई तो सेक की पूछने लगा भैया सेक की क्या वैल्यू होगी, उल्टा कर दो 5/3। कोट की वैल्यू क्या होगी, 3/4। भैया कोसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन को उल्टा कर दो 5/4। सब उल्टी तो करने, आराम से निकल जाएगी सब वैल्यू, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भैया ये क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, जो अब जैसे मैंने तुम्हें समझाया सेम वैसे, अब मुझसे बताओ कौन से इनमें से कौन से क्वेश्चन मुझे करवाने होंगे। दूसरा। अच्छा बेटा एक एक करके बताओ, एक मुझे दूसरा करवाना, और कोई क्वेश्चन जो किसी को भाई लग रहा हो जल्दी बेटे कोई बोल सकता है, गोलू कौन सा होता ना, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद और कोई, मुझे लग रहा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा तुमसे, ध्यान देखो बेटे इसको यार, 6 वाला बेटे पहले करवाया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये सब बाकी होम वाले हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना भैया इनका, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। आओ तो फिर पहले आप यहाँ से समझ लो, नोट बाद में कर लेना। आपने कहा भैया क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखिए क्या दे रखा है, कोस थीटा 4/5, ठीक है। अब ये क्या क्या दे रखा, साइन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होगा, पहले इनमें साइन की वैल्यू निकाल लो उसके बाद टेन की, उसमें फिर है मान लग देना आंसर आ जाएगा। देखते अब मुझे ये बता दो भैया, बिना उसके भी निकल सकता डायग्राम बनाए बिना भी, तो उसे निकाल लूँ या डायग्राम बना, पाइथागोरस डायग्राम बना के पाइथागोरस फिर मिलाओगे, ठीक है। देखो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अच्छा यहाँ पर डायग्राम बना दो, ए बी और सी, आधार क्या है आपके पास 4 और कर्ण क्या है भैया 5। कोई बता सकता है ये क्या आएगा भैया, अभी कराना 3 आएगा, और किसी को प्रॉब्लम हो तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्ग 25, किसका वर्ग है 5, 25 किसका वर्ग है 5। भैया आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 3 हो गया तो कोई दिक्कत रही नहीं, ठीक है ना, चलो छोड़ दो। अब पाइथागोरस प्रमेय का काम भी हमने यहीं पर निपटा दिया, उसके बाद अब क्या करते हैं, किसकी वैल्यू चाहिए साइन की, साइन थीटा बराबर बताओ लंबटे कर्ण, भैया साइन थीटा बराबर क्या आएगा 3/5, ठीक है। उसके बाद टेन की बात करना जरा, क्या होता लंबटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, लो। अब देखो अब इसमें इस पूरे मान लो क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना काम हो करवाया इसने। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू 3/5 गुणा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है भैया 4/5 प्लस, और टेन थीटा की वैल्यू 3/4, इसका करना आपको वर्ग। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर दिख रहा नहीं 3 चौक 12, 3 चौक 12/5 का वर्ग 25 प्लस है प्लस 9/16,
ठीक है, चलो इतना अब करते क्या है आप, अब तो इसका तो आंसर आप निकाल सकते हैं ना, ये दोनों का एलसीएम ले लेना, उसके बाद इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर कर लोगे, ऐसे कर सकते हैं सब। तो ये इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, करो ना। अब आ जाओ भैया यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन होना है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा था। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपका होगा। ठीक है, वैसे तो मुझे इसका आंसर बिना करे ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो भैया, कोस थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या लगा दूँ अंडर रूट इस प्रकार से, और आपको पता है 1/√2 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा अब ये बता दो भैया, ऊपर वाला क्या है आपका आधार, और नीचे वाला क्या है आपका कर्ण, क्यों। अब यहाँ पर देखो, या फिर आप इसकी तुलना भी ऐसे कर सकते हो, आधार बटे कर्ण। अच्छा फिर से ये जाएगा, बनाते हैं ए बी सी, आधार क्या है आपका एक है, आधार क्या है एक, तो कण कितना जरूर दो। ठीक है भैया, अच्छा अभी मुझे ये बता दो भैया आप, ये क्या होगा, तो अच्छे से पता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती, पाइथागोरस प्रमेय, इसे मैं शॉर्टकट से करूँगा भी बाद में, प्रमेय से भैया कण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कण का वर्ग क्या है अंडररूट 2 का वर्ग, लंब हमें निकालना है, आधार हमें एक दे रखा है, कितना आगा 2, ये प्लस में चल जाएगा या माइनस में, और ये क्या हो गया आपका क्या हो जाएगा लंब का वर्ग। अगर मैं बात करूँ लंब बराबर क्या होगा, बस यहाँ आपका एक एक ऊपर अंडररूट लगाओ, ये लंब कितना हो गया आपका एक। ठीक है, ये भी आपको आ गया एक। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये ठीक है। अब इसका वर्ग करो, क्यों वर्ग की वैल्यू निकालनी ना, इसका वर्ग हमने किया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसा करो, या एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूँ, पहले से नोट कर लो। अब यहाँ पर देख लो भैया, अब सेकंड मेथड समझ लो, बहुत इजी है। मैंने क्या बताया भैया, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना और कोस स्क्वायर थीटा का दे रखा है, तो सीधा सा बता आपने एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, फिर साइन स्क्वायर थीटा का निकालना यहीं पर रहने दो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, बर कर दूं क्या मेरे, हाँ भैया बर की वैल्यू ही दे रखी, बर नहीं करना, अगर बर कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का ही मान दे रखा, तो ये सोचो कि कोस स्क्वायर थीटा और लो जी ऐसा है, गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बर लगा कर दे रखा है। आगे बात समझ में, बराबर एक, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा एक में से, ये इधर क्या करो घटा दो, भैया इधर नहीं जाने वाला क्या, अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा एक में आधा आया, आधा बच गया, बताओ इजी था ना, नोट। अब यहाँ पर देख लो क्या, देखो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आपने पूछा था, ये देखो, 2 cos² 45° माइनस 1 cos θ, थीटा का मान निकालना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा 2 cos 45 का मान बता दो भैया मुझे, और अगर तुम्हें त्रिकोणमिति की सारणी नहीं आती तो यह बहुत ही √3/2 दयनीय स्थिति, बहुत ही गलत आंसर भैया आपका, 1/√2 भैया सुधारो अपने आप को, वहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसे देखोगे जैसा आंधी में कथा देखता, ठीक है ना। अच्छा 2 और 1/2
अनुरोध दो का मान तो अनुरोध दो जो है इसका वर्ग भी दो होता है ठीक है। यहाँ पे कट गया माइनस ए बराबर कोस थीटा और यहाँ पे ए ने माइनस के बराबर कोस थीटा। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखो जीरो बराबर कोस थीटा आ रहा है ठीक है। तो भैया आदित्य मुझे ये बताओ कि कोस के कौन से मान में जीरो होता है। टेबल में जाओ और देखो कोस नब्बे बराबर जीरो यहाँ पे कोस बराबर कोस थीटा। अच्छा कोस से कोस आपका गायब हो गया थीटा बराबर नब्बे डिग्री आपका आंसर हो गया ठीक है। तो थीटा का मान क्या हुआ नब्बे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा आपको तो त्रिकोणमिति की सारणी को ये याद करो उसे आज जाके वो त्रिकोणमिति की सारणी एक बार रिवाइज कर लेना नोट करो उसे। अब यहाँ पर देख लो। अच्छा मुझे याद आओ इनमें कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करवाने हैं बाकी तुम कर सकते हो देख कर बताओ जल्दी से। क्यों सहरे क्यों कमजोर हो गया ये बताओ कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करवाने हैं बाकी तुम कर सकते हो ये बताओ। अच्छा पहला क्वेश्चन भैया हो सकता कोर्ट में एक बटे अंडर रूट तीन किसका मान है। जब तक त्रिकोणमिति की सारणी याद ना होगी तब तक कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता चाहे मैं हूँ चाहे फिर तुम हूँ ठीक है। तो पहले से याद करना पड़ेगा कोस ए बराबर एक बटे दो है तो टेन टू ए कैसा आप निकाल लोगे। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं बताओ जल्दी जो तुमसे नहीं होने के ठीक है सही कर लेंगे। तो गोलू और तो बिल्कुल इसी में बताओ भैया कैसा होगा ये क्वेश्चन विजय तक मुझे बताना मान रखेंगे कर दूंगा बस तुम वहां छोड़ो यहाँ पर देख लो। पहले क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं भैया ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन है अपने आप में खतरे कई बार आए बोर्ड एग्जाम में कोर्ट यानी क्वेश्चन नंबर आठ दो। अच्छा यहाँ पर देख लो कोर्ट थीटा बराबर एक बटे अंडर रूट तीन निकालना क्या है निकालना इधर है दो माइनस साइन स्क्वायर ठीक है। अब देखो पहले तो देखो तुम थीटा का मान निकाल लो बाकी सब आराम से निकल जाएगा। अब मुझे बता दो कोर्ट में किसका मान एक बटे अंडर रूट तीन होता है कोर्ट हाँ कोर्ट लिखा तुमने कोर्ट साठ ठीक है। अच्छा थीटा से थीटा मतलब कोर्ट से कोर्ट आपका क्या हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा आपका साठ। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पर देखो एक माइनस कोस स्क्वायर साठ दो साइन स्क्वायर साठ ठीक है। कोस साठ की वैल्यू बताओ क्या होती है कोस साठ की वैल्यू एक बटे दो अच्छा दो माइनस साइन साठ की वैल्यू अंडर रूट तीन बटे दो इसका भी बात। अच्छा एक माइनस एक बटे क्या हो जाएगा भैया चार जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक आम लिख सकते हो ऐसे। अच्छा दो माइनस अंडर रूट तीन ओवर तीन और दो ओवर चार जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आपका अच्छा क्या हो जाएगा भैया इधर लेकर जाओ चार एक मिनट ऊपर लिखो चाहिएगा ना चार माइनस एक बटे चार और चार दुनी आठ माइनस तीन बटे चार आपको हो जाएगा तीन बटे चार बटे पाँच बटे चार और चार से चार आप काट सकते हो तो तीन बटे पाँच आपका आंसर हो जाएगा। भैया अली बात समझ में नोट करो। अब देखो उसके बाद कर देना अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कोस ए बराबर एक बटे दो इसमें कुछ नहीं करना आपको सबसे पहले ये देखना है कोस में किसकी वैल्यू एक बटे दो होती है और टेन टू ए का मान आपको यहाँ पे फाइंड करना। अच्छा बताओ तो कोस में एक बटे दो किसकी वैल्यू मुझे वो काम खत्म कर दिया अपने अब तो ये डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा किसकी कोस साठ की वैल्यू कोस और कोस आपका फिर से तुलना में चला जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा तब क्या होगा। अब क्या करते हैं हम
अब निकालना आपको ए का मान पता चल गया, ठीक है ना, बस तो आराम से निकाल लोगे 10 2 a का, तो 10 2 a यानी 10 2 × 7 क्या हो जाएगा आपका 10 120। बताओ 10 120 वैल्यू क्या है? अब हमें नहीं पता 10 120 वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, तो कैसे निकालते मैंने आपको ये बता रखा है। क्या करते हैं भैया, 10 90 + 30 ऐसे बताया था, ठीक है, और 10 90 + 30 में मतलब क्या हो जाएगा आपका कोट 30, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो ये आपका 90 से कम वाले थे और ये 90 से ज़्यादा वाले थे और 180 से कम वाले। इसमें क्या होता था, इसमें सभी प्लस के होते थे और इसमें कौन कौन प्लस के रहते थे, साइन और कोसाइन, बाकी सब माइनस, ठीक है। दूसरी बात, 90 वाले चेंज होते थे तो 10 का हमने कोड में चेंज भी कर लिया है और ये माइनस के कोड 30। अब मुझे बता दो कोड 30 की वैल्यू क्या है, तो माइनस के अंडर रूट 3, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नोट करो, आओ फिर। अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, कोसेक थीटा यानी कोसेक ए दे रखा है, ए बराबर 2 दे रखा है, तो भैया 1/tan + sin / 1+cos, ठीक है। अब करते क्या है हम, अब ये इसको करना क्या है, जब 1/sin लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो क्या होगा आपका ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 sin a, ठीक है। उसके बाद साइन को आप इधर भी ला सकते हो, साइन ए बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है भाई। होने को ये वैसे भी हो सकता, लंबटे कण से भी हो सकता, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो भैया तुम मूर्ख हो, क्यों, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसा करने में भाई। पहले तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है, फिर टैन की वैल्यू निकालोगे, एक बार कोस की वैल्यू निकालोगे, एक बार साइन की वैल्यू निकालोगे, वो तो दे रखी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे साइन ए बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन चीज की, तो सीधी सी बात है ए बराबर क्या आ रहा है आपका 30 डिग्री, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा बटी यहाँ नहीं, इसमें देखो वीडियो में दिख रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 30। अब ए का मान लिख दो बस भाई, 1/2 क्या हो जाएगा, 10 ए की जगह हो जाएगा आपका 10 30 डिग्री, साइन 30 उधर क्या हो जाएगा 1+cos, बस मान लग दो, हल कर लो, 1/10 30 की वैल्यू 1/√3, ये तो फिर ऊपर पहुंच जाएगा, 30 बटे ऊपर जाता है ना, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1+cos 30 की वैल्यू क्या भैया आपकी 3/2, इसे हल करना बस, ये आपको हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस भाई अब इसको हल करो भाई 1/2 क्या हो गया 2+√3/2, 2 से 2 आपने काट दिया है, तो 3+ ऊपर बच गए यहाँ पे 1 और 2+√3, ये आपका आंसर होगा, या फिर इस चीज़ से गुणा करके तब भी हल करो तब भी आंसर होगा, ठीक है ना। पहले तो फिलहाल आंसर इसका यहीं पर दे रखा है, नोट करो, यहाँ पर देखो भैया 10वां क्वेश्चन भी आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 tan θ = sin θ दे रखा है, तो इन्होंने थीटा का मान पूछा, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लगते होंगे बाहर, ठीक है ना, इसे कैसे करते हैं, पहले tan θ को तोड़ लो, sin θ / cos θ, और यहाँ पर क्या आपका sin θ, जिसके नीचे बनी उसके नीचे, ठीक है, साइन का साइन आपका कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बच गया 1/√cos θ, और भैया 1 और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 = आपको क्या किया cos θ, सिंपल। अब मुझे ये बता दो भैया cos θ = 1
कोस थीटा की कौन सी वैल्यू में एक आता, कौन जीरो का मान एक होता, तो कोस थीटा बराबर कोस जीरो। अब देखो साइन तुम्हें याद करनी होगी, ठीक है ना, इसे तो बिना याद करे आपसे होने का है नहीं। थीटा बराबर आपका जीरो डिग्री आंसर हो जाएगा। नोट करो, यहाँ पर देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका बार है, बट इसे क्वेश्चन को आप ही करना, ठीक है ना, कर सकते हैं ना इसे, कर लेना भी अपने आप। अब यहाँ पर देख लो मुझे, यदि ये क्वेश्चन मैं बता दूँ, ये आपके बताता हूँ, देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए, दो कोस थ्री थीटा बराबर एक, तो थीटा का मान आपको याद करना। अच्छा, कोस थ्री थीटा बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, दो। अब मुझे ये बता दो, कोस में किसकी वैल्यू एक बटे दो होती है, कोस साठ की, कोस कोस आपका फिर खत्म, थीटा बराबर क्या हो गया आपका साठ बटे तीन है, कितनी बार गया बीस के साठ, थीटा बराबर आपका बीस डिग्री। किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना, थीटा का मान निकल गया। आओ फिर ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। अच्छा, समझ में तो आ रहा ना सबको, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और वन प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का मान एक, वन प्लस टेन 45 का मान एक, ये कट गया आपका हो गया जीरो बटे दो, और भैया कुछ भी कर तो जीरो ही आएगा, ठीक है ना, फिर जीरो किस से भाग करो जीरो ही आएगा। आओ तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भैया, दो टेन 30 वन प्लस टेन स्क्वायर 30। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू एक बटन रूट तीन, वन प्लस एक बटन रूट तीन का दस, ये क्या हो गया दो बटन रूट तीन, और यहाँ पर एक प्लस अंडरूट तीन का वर्ग तीन, जिसके नीचे को नहीं उसके नीचे, तो ये आपका हो गया भैया दो बटे अंडरूट तीन। यहाँ पर देखो इसी को यहाँ पर देखो, तीन का तीन प्लस एक बटे तीन क्या हो गया दो बटे अंडरूट तीन। समझ में आ गया ऐसे तुम्हारी, बट नीचे देख कर समझ आ रहा, बोर्ड पर देखते हैं फिर चार बटे तीन। अब करते क्या, जब बटे के बटे में होता है तो इसका उल्टा करते हैं, तीन ऊपर चार नीचे, दो दुनी चार, तो आपका आ गया भैया तीन बटे दो अंडरवुड तीन, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, ऊपर पूरा तीन है, यहाँ पर दिख रहा, देखो ऊपर तो पूरा तीन है, तो मैं इसे दो बार ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे आप दो अंडरवुड, ये हिस्सा आपका कर दिया, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर नोट कर दीजिए भाई, ये तो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी मान पूछते बहुत, ठीक है ना। अच्छा क्या भैया, इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थीटा क्या रखा 30, तो 2 गुणा 30 क्या हो गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट अंडर तीन बटे दोगे आप, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बोलो हंसने का काम नहीं चल रहा, इसे याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इनमें से आएंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। यहाँ पर देख लो भैया, क्वेश्चन 15 हो गए आपके, क्वेश्चन 16 फिर से आपका होमवर्क, क्या करना, दो टेन 45 का वर्ग कर लेना, टेन 45 का मान एक, एक का वर्ग, कोस 30 की वैल्यू रखना उसका वर्ग, और माइनस साइन 60 का वर्ग करके वो बढ़ा देना, ठीक है ना, कर सकते हैं। कैसे लगी आज की क्लास, बहुत सुंदर आपका याद निकला है, और ऐसे जैसे तुम्हारा याद है ना बेटे, इसे और अच्छे से करना, ठीक है ना, इसका रिवीजन करो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, हो सके आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।